असलम नाजी, मैं हूँ सिद्धार्थ खान और आप देखें जीएनए प्लस। नाजी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फैसल जावेद साहब मौजूद हैं। फैसल साहब, आज जो फैसला डिसीजन आया पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर दिया गया, कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? बहुत अच्छा फैसला है और आखिर में जीत हक और सच की होती है। ये खुशाइन फैसला है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो वोटर का है। वोटर ने जिसको वोट दिया है उसको राइट, उसका प्रोटेक्ट होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला है और जितने भी फैसले हक और सच पर हों उसकी तायद अवाम भी कर देती है और अवाम भी इस फैसले को बहुत ज़्यादा वेलकम करेगी। और अवाम की अवलीन तरजीह एक ही है जी, सरदार तैयब साहब, और वो है कैदी नंबर 804 की रिहाई। ये अवलीन तरजीह है कि इमरान खान जो हैं, जिनकी वजह से ये सारे वोट पड़े हैं, जिनकी वजह से इतनी ज़्यादा सीटें हमें मिली हैं और भी मिलेंगी इंशाल्लाह, जो फॉर्म 45 के ओरिजिनल विनर्स हैं वो भी आएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पर भी इंसाफ होगा। सर, ये बता दीजिएगा, आप भी कमरा अदालत में मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन के वकील की काफ़ी सरजनिश हुई है, खासतौर पर मंदला साहब मंसूर शाह साहब ने बड़े उनसे रिमार्क्स भी दिए हैं और ऐसे भी रिमार्क्स हुए जिस पे कह के भी अदालत में लगे, तो कैसे देखते हैं आज की कार्रवाई? बड़े अच्छे रिमार्क्स थे कि मिसाल के तौर पर अगर आप एक पार्टी है जिसने 6 निश्चितें जीती हैं और इंडिपेंडेंट से उन्होंने 200 जीती हैं, तो सारी की सारी रिजर्व सीट्स आपके 6 वालों को दे देंगे, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। उन्होंने कहा हाँ दे देंगे, तो जो इधर चल रहा है सिलसिला उसमें तो वाकई वो कहते हैं दे देंगे, लेकिन अदालत का एक बड़ा खुशाइन फैसला है और बेसिकली वोटर का जो हक है वो उसके मिले। ये जो है नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले और बाकी जो पार्टियों का जो इत्तेहाद है, ये पीडीएम वाले, मैं तो ये कहूँगा कि इनके तो कोई भी कुर्सी देखें इनके मुंह में पानी आ जाता है, कहीं पे भी निशस्त देखें इनके मुंह में पानी आ जाता है। पीएसएल के मैचेस हुए, खाली निशस्तें थी, इनके मुंह में पानी आ रहा था कि इधर हम हो। फिर पैनामा लैटिन अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे इनके मुंह में पानी आ रहा है कि जी हमारा हमें वो वहाँ पे भी इलेक्शन हो रहा है, वो भी निशस्तें हमें थे, कुर्सी के पीछे हैं ये और किसी चीज़ की नहीं। इकतदार नहीं, अकदार की सियासत जो है अवाम में सुरखुर होती है और इमरान खान ने वो करके दिखाई है जी। इमरान खान साहब के क्या लगता है कि जो उन पर केसेस लगे, खासकर सैफर वाले जो केस लगे, क्या उसमें भी सजा मतलब वगैरह हो जाएगी और खान साहब जल्द? बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे बेबुनियाद केसेज हैं, अभी हम वहीं जा रहे हैं, वो बेबुनियाद केसेज हैं सारे केसेज जो हैं, उनमें इमरान खान को सुरखुरु होना चाहिए। अदालत का फैसला जो है अगर मेरिट की बुनियाद पर आप अगर आप देखें तो कोई भी एक केस, जो 200 से ज़्यादा केसेस बने हैं, सरदार साहब आप सारे केसेस को फॉलो करते हैं, सारे के सारे जो हैं बोगस केसेस हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इमरान खान को निशाना बनाया जा रहा है और ये सारे केसेस इंशाल्लाह खत्म होंगे। सर, जलसों आगे जलसे और जलसे तरीके शुरू होने जा रही है, जलसे ही होने चाहिए, पूरे पाकिस्तान की कौम तैयार है और उनका एक डिमांड है कैदी नंबर 804 की रिहाई। सब अब जो है वक्त आ गया है कि सारे जो हैं पुरअमन पुरअमन एहतजाज जो हमारा हक है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सर, लास्ट में ये बताइए, 9 मई भी आ रहा है और इमरान खान साहब ने अपने अरकान असम्बली को सूबाई सबको हिदायत दी है कि वो उस दिन जो है प्रॉपर अपना पुरअमन पीसफुल जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह रिकॉर्ड करवाएं, तो इस वजह से सर क्या कहेंगे आप? पुरअमन एहतजाज मैंने कहा ना, पुरअमन एहतजाज हमेशा इमरान खान ने 1996 से लेकर आज तक पुरअमन एहतजाज किया है और पुरअमन एहतजाज जो है बुनियादी हक है।